संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज आज इस पाठ का प्रश्नोत्तर अभ्यास कराएंगे साक्षात्कार से।, से पहला प्रश्न है साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है वर्णन कीजिए अब साक्षात पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है वर्णन कीजिए तो इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा साक्षात पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्ले की यह छवि उभरती है कि वह दुबले पतले से दिखने वाले भारत के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे किसी आम युवक जैसे ही हैं कैसे हैं वह एक आम युवक जैसे ही हैं उन्होंने ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुंचने का सफ़र तय किया है एक अभावग्रस्त बचपन जीने वाला यह व्यक्ति आज हॉकी का नामी खिलाड़ी है फिर भी वह अपनी जड़ों को नहीं भूला है और इतना बड़ा खिलाड़ी होने के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं भूला है आम इंसान की तरह साधारण जीवन जीने में उसे कोई संकोच नहीं होता है वह मेहनती हैं जुजारू और परिवार और दोस्तों का उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है हॉकी से उन्हें गहरा लगाव है वे जानते हैं कि हॉकी से ही उन्हें यह सम्मान और प्यार मिला है वह एक सरल हृदय भावुक व्यक्ति हैं ये पहले प्रश्न का उत्तर है अब दूसरा प्रश्न है धनराज पिल्ले ने ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है लगभग सौ शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए सौ शब्दों में इसका वर्णन करना है हमने उत्तर लिखेंगे धनराज पिल्ले का बचपन मुश्किलों से भरा था उन्होंने भाव और गरीबी को देखा और महसूस किया उनके पास अपने लिए एक हॉकी स्टिक तक ख़रीदने के पैसे नहीं थे शुरू में तो दोस्तों से उधार लेकर और बाद में अपने भाई, बड़े भाई की पुरानी स्टिक से उन्होंने काम चलाया लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई मात्र सोलह साल की उम्र में उन्हें मणिपुर में उन्नीस में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला सन उन्नीस में उन्हें सीनियर टीम टीम में स्थान मिला उस वर्ष अपने बड़े भाई रमेश के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लिंग में अपने बेहतरीन खेल से खूब धूम मचाई अंततः उन्नीस में उन्हें ऑलविन एशिया कप कैंप के लिए चुन लिया गया था इसके बाद शुरू हुई उनकी सफलता की कहानी और उन्होंने फिर कभी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा दूसरा प्रश्न का उत्तर है <स्था> तीसरा है मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है तीसरा प्रश्न का उत्तर है धनराज पिल्ले कहते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है इसका यह अर्थ है कि प्रसिद्धि पाकर स्वयं को इतना बड़ा नहीं समझ लेना चाहिए कि हम दूसरों का आदर और सम्मान करना भी भूल जाएं। सफलता की सीढ़ियां चढ़कर बीते दिन भूला देना ज़रा भी समझदारी की बात नहीं है सफलता की सीढ़ियां चढ़कर बीते दिनों को भूल जाना यह समझदारी की बात नहीं है धनराज की माँ ने उन्हें यही सिखाने की कोशिश की होगी कि सफलता पाकर घमंड नहीं करना चाहिए अपितु अधिक नम्र हो जाना चाहिए तभी प्रसिद्धि तथा मान सम्मान सदा साथ रहते हैं इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का अगला है साक्षात्कार से आगे ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्यों पता लगाइए मेजर ध्यानचंद्र हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे हॉकी की स्टिक हाथ में लेकर वह किसी जादूगर की भांति विपक्षी टीम के सदस्यों के बीच के बीच से गेंद निकाल ले ले जाते थे और वह जब विपक्षी टीम के क्या करते थे सदस्यों के बीच से गेंद निकाल कर ले जाते थे वह हॉकी खेलने में माहिर थे उनके दाव पेंच समझ पाना अत्यंत कठिन था उन्हें हराना तो दूर की बात थी लोग उन्हें हॉकी खेलना देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे यही कारण था कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था दूसरा प्रश्न है किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है अब हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है तो हॉकी एक प्राचीन खेल है क्या है यह हॉकी की एक प्राचीन खेल है यह पुराने समय में भारत में खेला जाता रहा है इसके प्रति लोगों का आकर्षण और रुचि कम कभी कम नहीं हुई हॉकी खेलने के लिए बहुत अधिक साधन और धन जुटाने की आवश्यकता नहीं है और उसके लिए क्या होता है बहुत ज़्यादा साधन सुविधाएं नहीं चाहिए और धन जुटाने की आवश्यकता नहीं है सीमित सा संसाधनों में खेले जाने वाला यह खेल निरंतर विकसित और प्रचलित होता रहा और सीमित संसाधनों में खेला जाने वाला यह खेल निरंतर विकसित और प्रचलित होता रहा इसलिए इसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है ये उत्तर है इसका अब तीसरा है आप समाचार पत्रों पत्रिकाओं में छपे हुए साक्षात्कार पढ़ें और अपनी रुचि किसी व्यक्ति को चुनें और क्या करना है आपने अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को चुनें उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर कुछ तैयार प्रश्न तैयार करें और साक्षात्कार लें और इसमें किसी व्यक्ति जो आपको लगते हैं जो कोई बहुत धनराज पिल्ले की तरह कोई ऐसे खिलाड़ी हों या कोई आपके राज नेता हो या आपके आसपास कोई प्रधान हो कोई भी आपसे बड़े उनसे कोई पत्रकार हो उनसे भी आप क्या कर सकते हैं इंटरव्यू ले सकते हैं आप उनका साक्षात्कार ले सकते हैं तो ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे अनुमान और कल्पना यह कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखिए और ये अपने अनुभव और बड़ों से आधार पर लिखना है इसका उत्तर यह बात एकदम सही है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि शोरत पैसा साथ लेकर आए ज़रूरी नहीं कि शोरत पैसा साथ लेकर के आए इसका साधा इसका उदाहरण स्वयं धनराज पिल्ले का जीवन है हॉकी का नामी खिलाड़ी बन जाने के बाद भी वह साधारण लोगों की तरह भीड़ भरे स्टेशनों पर धक्के खाते हुए लोकल ट्रेनों का इंतजार किया करते थे और इतना बड़ा खिलाड़ी होने के बाद भी वो क्या करते थे लोकल ट्रेनों का इंतजार किया करते थे बात वही थी उन्हें शहरत तो मिली थी परंतु उस अनुपात में पैसा नहीं मिला धनराज पिल्ले अपवाद नहीं है हमारे समाज में कई ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जब प्रसिद्ध व्यक्तियों को गरीबी और का जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है गरीबी का जीवन जीने के लिए जो है जीवन जीने के लिए मजबूर हो होना पड़ता है हम मशहूर शहना नाई वादक उस्ताद बसमिल खां का उदाहरण ले सकते हैं जिनके पास अपने इलाज तक के लिए पैसे नहीं थे और वो जो क्या थे है? बिस्मिल का मशहूर शहनाई वादक थे वो उन्हें अपने इलाज के लिए पैसा नहीं था प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद्र का जीवन भी इसका उदाहरण है जो अंत तक धन के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए और धन जो प्रेमचंद्र थे बहुत बड़े कवि हैं लेखक तो इन्होंने भी बहुत बड़े प्रेमचंद्र भी बहुत एक बहुत बड़े क्या थे साहित्यकार थे बहुत रचनाएं उन्होंने लिखी हैं तो उनके द्वारा रचित हैं तो उन्होंने अंतिम क्षण तक भी उन्होंने किया बहुत संघर्ष किया पैसों के लिए संघर्ष करते हुए उनका जीवन जीवन किया जीवन पर्यंत उन्होंने संघर्ष करते रहे अब दूसरा प्रश्न है अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल क्या होता है अपनी ग़लती के लिए माफ़ी मांगना या मुश्किल क्या आप आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते लेते हैं माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना अपने अनुभव के आधार पर लिखिए अपने अनुभव के आधार पर लिखना है ये आपने अब इसका उत्तर बता देते हैं फिर लिख लें अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान नहीं होता क्योंकि माफ़ी मांगने का अर्थ है किसी के सामने झुकना अपने को छोटा बनाना प्रायः अपने स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने जैसा होता है क्या होता है अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने जैसा होता है माफ़ी मांगना नहीं कई बार तो लोग अपनी गलतियाँ मानने को तैयार नहीं होते माफ़ी मांगना तो दूर की मांगना तो दूर की बात है और वह क्या है अपनी गलती मांगना और माफ़ी मांगना तो दूर की बात है गलती तक नहीं मानते हैं लोग माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना यह कई बार अपराध की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है देखा गया है कि अक्षम्य अच्छा अपराधों के लिए लोग बड़ी जल्दी माफ़ी मांग लेते हैं परंतु वैसे हालात में उन्हें माफ़ करना अत्यंत कठिन होता है वही दूसरी ओर छोटी बड़ी गलतियों से माफ़ी मांगना मांगना लोग अपने शान के खिलाफ समझते हैं जबकि माफ़ करने वाला कई बार बिना मांगे ही मांगे ही ऐसे मामलों में अपने माफ माफ़ी दे देता है तो कहने का तात्पर्य यहाँ कि माफ़ी मांगने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है हमारा छोट तो हमें क्या करने करने कर लेने चाहिए वैसे तो अपराध ही नहीं करने चाहिए कि हम ऐसे काम न करें जिससे हम हमें माफ़ी मांगने, मांगने पड़े यदि हमसे गलती भी हो जाती है तो हमें क्या मांग लेने चाहिए क्षमा मांग लेनी चाहिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए ठीक और ये आपके प्रश्नोत्तर हो गए इस पार्ट के